एलिस्टर कुक के नाबाद शतक की मदद से इंग्लैंड लॉयंस ने इंडिया आई के खिलाफ 4 दिवसीय अनिर्धारित टेस्ट के पहले दिन काफी अच्छी शुरुआत की। इंग्लैंड की टीम ने दिन का अंत 2 विकेट के नुकसान पर 310 रनों पर किया। कुक के साथ डेविड मलान 59 रनों पर नाबाद लौटे। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 146 रनों की साझेदारी हो चुकी है। कुक ने अब तक 238 गेंदों का सामना किया है और 22 चौके लगाए हैं। वहीं मलान 127 गेंदे खेल चुके हैं और 7 चौके लगा चुके हैं। 33 साल के एलिस्टर कुक ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट का अपना 62वां शतक जमाया। इंग्लैंड लायंस ने रोरी बर्न्स के रूप में 9 के कुल स्कोर पर अपना पहला विकेट खोया। उन्हें नवदीप सैनी ने आउट किया। इसके बाद कुक ने निक गबिंस के साथ दूसरे विकेट के लिए 155 रनों की साझेदारी कर टीम का 164 के कुल स्कोर तक पहुंचाया। अंकित राजपूत ने गबिंस की पारी का अंत किया। गबिंस ने 155 गेंदों में 7 चौके और 1 छक्का लगाया। भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले अनुभवी सलामी बल्लेबाज को खुद को परख रहे हैं। इस मैच में उनके साथ टेस्ट विशेषज्ञ डेविड मलान भी खेल रहे हैं। उधर भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज मुरली विजय और उप कप्तान अजिंक्य रहाणे भी इंग्लैंड लायंस के खिलाफ भारत ए के मैच में उतरे हैं। भारत इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज 1 अगस्त से शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।